हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खोया और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश भगवान को मोदक और लड्डू बहुत पसंद होते हैं। ये मैं आज उन्हीं के भोग के लिए रेडी कर रही हूँ। ये एक सिंपल सी रेसिपी है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। आओ देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। गैस में मैंने एक पैन रखा है, इसे मैं ऐड करूँगी आधी चम्मच घी का। मैं इसमें ऐड करूंगी एक गिलास दूध। जब हमारा दूध गर्म हल्का गुनगुना होगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी, ये मैंने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। इससे हम इंस्टेंट खोया बनाएंगे। आप चाहें तो मार्केट वाले खोए का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू हिलाती रहूंगी जिससे कि इसमें लम्स ना बने। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दूध को हमें तेज़ गर्म नहीं करना है, गुनगुने दूध में ही हमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट खोया बनके रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे चलाती रहूंगी जिससे कि ये नीचे से जले नहीं, क्योंकि पैन हल्का गर्म होता है। अब मैं इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी खोया को। ये देखिए, एकदम परफेक्ट खोया बनके हमारा रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर पाउडर। ये मैंने मिक्सी में चीनी को ग्राइंड किया है। आप चाहें तो मार्केट से शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधी चम्मच इलायची पाउडर। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसी टाइम पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट किया हुआ है, इसमें मैं एक चम्मच खोया ऐड करूंगी और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं जो ये खोया है इसको मैं हाथों की सहायता से अच्छे से मसल दूंगी जिससे कि इसमें लम्स ना रहें और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके छोटी छोटी सी मैं लोइयां बनाऊंगी, जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। अब मैं इसे फिलिंग करूंगी, इसमें जो हमने ये ड्राई फ्रूट कट किए हुए थे इनको फिल कर दूंगी और इसके ऊपर से भी मैं इसमें खोया रखूंगी इस तरीके से, और इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे और इसे हम गोल शेप दे देंगे लड्डू की। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा लड्डू बनके रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना दूंगी। आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैंने ये सारे लड्डू बना के रेडी कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और गणेश जी के भोग के लिए सिंपल सी रेसिपी बन के रेडी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।